राजनीतिक है ही नहीं, जो पॉलिटिकल वर्कर रहा कभी रहा ही नहीं, जो अफसर से सीधे नेता बने। भाई हम लोग 1974 के आंदोलन से आए और इतने दिनों तक लंबे समय तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ट्रेनिंग ली, अब वो तो फाइल पढ़ते पढ़ते सीधे नेता बन गए, तब वही समझ रहे हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति राजनीतिक है नहीं उस पर कोई प्रतिक्रिया, और क्या बोल रहे हैं भाई। 2010 के पहले वो कुछ बोलते तो कोई सुनता नहीं, सुनता तो नीतीश कुमार जी का देन है कि 2010 में उनको राज्यसभा का MP बना दिए, अपने से जाके मंत्री बन गए, तो जीवन की अंतिम अभिलाषा तो उनकी पूरी हो गई है। अब घूमे, घूमने में कहाँ किसी को रोक है। नीतीश भी फील्ड में निकल गए हैं, छोड़िए ना, बेकार बात है। वो जो आदमी राजनीतिक है ही नहीं, जो पॉलिटिकल वर्कर रहा कभी रहा ही नहीं, जो अफसर से सीधे नेता बन गया, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग उनको कब मिला, कहाँ लिए वो ट्रेनिंग। भाई हम लोग 1974 के आंदोलन से आए और इतने दिनों तक लंबे समय तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ट्रेनिंग ली, अब वो तो फाइल पढ़ते पढ़ते सीधे नेता बन गए, तब वही समझ रहे हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति राजनीतिक है नहीं उस पर कोई प्रतिक्रिया, और क्या बोल रहे हैं आप बताइए। जिस व्यक्ति ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, जिस व्यक्ति ने उनको बोलने के लायक बनाया, उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं भाई। 2010 के पहले वो कुछ बोलते तो कोई सुनता नहीं, सुनता तो नीतीश कुमार जी का देन है कि 2010 में उनको राज्यसभा का MP बना दिए, अपने से जाके मंत्री बन गए, तो जीवन की अंतिम अभिलाषा तो उनकी पूरी हो गई है। अब घूमे, घूमने में कहाँ किसी को रोक है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का एक तस्वीर वायरल हुआ है। नीतीश कुमार जी के बारे में हम लोग बार बार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार जी देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, और उस संदर्भ में उनकी अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हुई दिल्ली में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बीमार हैं उनको भी देखने गए थे वो, तो सभी दलों को एक कर रहे हैं और सभी दलों ने सकारात्मक रुख अपनाया। तो इसलिए अखिलेश जी और नीतीश जी अगर पोस्टर से नया क्या बात है, कौन खास बात है इसमें जो आप लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो लगे ही हुए विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करने में, तो एकजुट कर रहे हैं।